Yes, Mr. Surya Kumar Yadav from the Indian cricket team is here to address the press conference. We are good to go. Yes, yes. Surya Vimal Kumar this side. पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए पहला सवाल ये करना चाहेंगे, T20 में जिस तरह का आपने दिखाया खेल और वनडे क्रिकेट में, एक जो है ना माइंडसेट की बात आती है कि T20 में तो आपको 360 खेलना है, जल्दी से खेलना है, वनडे दूसरा फॉर्मेट है, यहाँ पर मिड लो ऑर्डर में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्राइक रेट उतने बड़े इश्यूज होते हैं या सेटल होना है, क्या माइंडसेट रहता है? सर एक्चुअली मेरा माइंडसेट सेम ही होता है वनडे क्रिकेट में भी। मैं ट्राई करता हूँ कि वैसे ही बैटिंग करूँ जैसे मैं T20 में बैटिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें भी जैसे कि आपको पता है नेचुरल गेम खेलना बहुत ज़रूरी है आपका, और वनडे में एक एडवांटेज है कि पांच फील्डर सर्कल में भी होते हैं, तो आपके जो स्ट्रोक्स हैं, आपका जो इंटेंट है वो हमेशा रन बनाने का ही होता है। तो मेरा माइंडसेट एक्चुअली सेम होता है वनडे में भी, इवन अगर विकेट्स भी गिरे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट स्कोरबोर्ड चलाते रहूँ, ताकि अगर जब गेम फिनिश करना हो और लास्ट के 10-15 ओवर बचे तो उसमें रन्स कम ना पड़े। इंडियन क्रिकेट में ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में ये बात कहते हैं कि मुंबई घराना, जो मुंबई का स्टाइल है बैटिंग का, एक अलग है गावस्कर तेंदुलकर, सब लोग जानते हैं। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल अन मुंबई टाइप का खेलते हैं, ये कहाँ से आया, उसके बारे में बताइए, कौन इंस्पिरेशन है जिस तरह से आप खेलते हैं 360, क्योंकि मुंबई के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। जी नहीं सर, मैंने एक्चुअली उनको ही देख के स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलने के लिए, और वो ऑब्वियसली पहले हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं क्रिकेट में और अभी भी है। बट जैसे अभी क्रिकेट आगे बढ़ रहा है तो और बॉलर्स भी जितने भी और सामने वाली टीम भी जैसे प्लान्स बनाती है बैट्समैन के अगेंस्ट में, और आपको हमेशा दो स्टेप आगे रहना पड़ता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये लेवल पे। तो मैंने अपना गेम वैसे रीड किया है लास्ट 3-4 साल में कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे कौन से एरियाज में मैं रन्स बना सकता हूँ कि जिसमें मैं हमेशा एक स्टेप दो स्टेप आगे रहूंगा सामने वाले से, और बस वैसे ही वही मैं प्रैक्टिस करते आया हूँ पहले से, और मैं पहले से ही ऐसे क्रिकेट खेलते आया हूँ, खाली बस यही है कि कुछ शॉट्स मैंने अपने आर्मरी में ऐड किए। उस दिन T20 मुकाबले में आपने 100 किया, बड़ा स्पेशल था, इंडियन टीम बहुत क्लोज आई जीतने के, हालांकि मैच वो हार गए, लेकिन जो दो बात आई, रोहित आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंग्लैंड की टीम से भी जो उनके गेंदबाज आए जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, दोनों ने एक ही बात कही कि रोहित ने तो साफ कहा कि बहुत ऐसी बैटिंग, ऐसा 100 मैंने नहीं देखा T20 इंटरनेशनल में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी इंग्लैंड के गेंदबाज ने, उन्होंने कहा कि मैंने एवी डिविलियर्स के बारे में पूछा कि क्या वो आपको याद दिला, उन्होंने बोला एवी डिविलियर्स को मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने जो इनको देखा ये अलग तरह के खिलाड़ी हैं। इस तरह की जब आपको तारीफ मिलती है तो कैसे डील करते हैं? बेस्ट है सर कि आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, जैसे कि आपने बोला कि वो गेम में 100 हुआ, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश था पर्सनल माइलस्टोन से, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी टीम को जिताने के लिए, बट और मैं क्या बेटर कर सकता था वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे को खुद वहाँ पे रियलाइज करना। बट ऐसे अगर लोग प्रेस करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए आगे के मैचेस में। रोहित के बारे में आपने नहीं बोला, क्योंकि रोहित तो आपको बचपन से देख रहे हैं, वो फिर तो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और हमेशा हम लोग इवन जब लोकल क्रिकेट, जब डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा डेब्यू हुआ था मुंबई के लिए, तो वही थे सामने जो मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, इवन IPL में भी, तो हमेशा वो ट्राई करते हैं कि मैं अपने गेम में क्या ऐड कर सकता हूँ। तो हम बहुत बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर कि कहाँ कौन सा एरिया है जिसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना लंबा बैटिंग करूंगा तो और रन हो सकते हैं, टीम के लिए और अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन सबको अच्छे लगते हैं, बट एट द सेम टाइम सामने अगर टीम को आप रखोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता ही है हमेशा। सूर्या,